हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों आज के सेंटेंसेस भी बेहद ही खास है, तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊँगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मिसेस शर्मा ने कहा, हाउ क्यूट द बेबी लुक्स इन दिस ड्रेस। इस ड्रेस में बेबी कितनी प्यारी दिखती है। तो दोस्तों यहाँ पर है हाउ क्यूट द बेबी लुक्स इन दिस ड्रेस। यह भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसे हम लोग सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा द बेबी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब दोस्तों द बेबी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे द बेबी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि यहाँ पर सेड है, पास्ट में है, तो इधर का सेंटेंस भी पास्ट में होगा। और दोस्तों यहाँ सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में ज़्यादातर एक्सक्लेम्ड वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मिसेस शर्मा एक्सक्लेम्ड दैट द बेबी लुक्ड वेरी क्यूट। मिसेस शर्मा एक्सक्लेम्ड दैट द बेबी लुक्ड वेरी क्यूट। वुड दैट आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड सेड गीता। गीता ने कहा, काश मैं पक्षी की तरह उड़ सकती। और दोस्तों यह भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक प्रकार की इच्छा है, तो यहाँ पर विश यूज करेंगे गीता विश्ड दैट। दोस्तों यहाँ पर आय है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट गीता है, तो इसके बदले यहाँ पर सी यूज करेंगे। यहाँ पर कुड पहले से ही पास्ट में है, तो यहाँ पर भी कुड लिखेंगे सी कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड। गीता विश्ड दैट सी कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड। सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपनी दोस्त से कहा, गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। तो यहाँ पर लिखेंगे सी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। और पूछा एंड आस्क्ड हाउ डू यू डू, यानी आप कैसी हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कैसी थी। और हाउ ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे हाउ सी वॉज। हाउ आज सी नहीं होगा, हाउ सी वॉज इस तरीके से लिखना है। जैसे रहता है वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर लिखा जाता है वेयर ही लिव्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। सी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हर, यहाँ पर आप हर भी दे सकते हैं, हाउ सी वॉज। द यंग मैन सेड ओ गॉड हेल्प मी क्लियर दिस इंटरव्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे द यंग मैन, यानी कि उसने गॉड से प्रार्थना किया, प्रेड टू गॉड। और दोस्तों यहाँ पर है हेल्प मी, तो इसे भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू हेल्प हिम। अब यहाँ पर है क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लियर। यहाँ पर है दिस, इसे दैट में चेंज कर देंगे दैट इंटरव्यू। द यंग मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम क्लियर दैट इंटरव्यू। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, कीप क्वाइट चिल्ड्रन, बच्चों शांत रहो। डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वाइल आई एम चेकिंग योर नोटबुक्स, यानी कि जिस समय मैं तुम्हारा नोटबुक चेक कर रहा हूँ उस समय मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑर्डर्ड का यूज कर सकते हैं, कमांडेड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द टीचर commanded द चिल्ड्रन, और यहां पर है कीप क्वाइट, तो यहां पर टू देने के बाद लिखेंगे टू कीप क्वाइट। इसके बाद है डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो यहां पर एंड का यूज कर सकते हैं और डू नॉट या डोंट को नॉट टू में चेंज कर देंगे, नॉट टू डिस्टर्ब, और यहां पर मी है यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर है द टीचर, और यदि मेल है तो यहाँ पर हिम यूज करेंगे और फीमेल है तो हर यूज करेंगे। डिस्टर्ब हिम वाइल, आई भी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यदि द टीचर मान लीजिए कि मेल है तो ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर है एम, तो एम इज आर को वाज ओवर में चेंज कर देते हैं, ही के साथ इज लगता है लेकिन यहाँ पास्ट में लिखेंगे वॉज, ही वॉज चेकिंग। अब यहाँ पर योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, एक से अधिक है तो योर की जगह देयर यूज करेंगे, देयर नोटबुक्स। द टीचर कमांडेड द चिल्ड्रन टू कीप क्वाइट एंड नॉट टू डिस्टर्ब हिम while he was checking their notebooks. Don't worry, for I am there to help you. चिंता मत करो क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारी मदद के लिए रहूँगी। She said to me, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर लिखेंगे She urged me, don't है not to में चेंज कर देंगे, not to worry, फोर आई एम देयर, आई फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सी के साथ इज लगना चाहिए लेकिन यहाँ पर वॉज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अर्ज्ड या सेड पास्ट में है इस वजह से। सी वॉज देयर, और यहाँ पर है टू हेल्प यू, तो यहाँ पर लिखेंगे टू हेल्प, और यू क्या है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट इसमें मी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मी। सी अर्ज्ड मी नॉट टू वरी फोर सी वॉज देयर टू हेल्प मी। दोस्तों फोर का मतलब चूंकि भी होता है। आई सेड टू माई फ्रेंड ललित लेट अस टेक अ रूम इन द हॉस्टल, मैंने अपने दोस्त ललित से कहा चलो हॉस्टल में एक कमरा ले लेते हैं। तो दोस्तों जिसमें लेटेस्ट यूज रहता है तो एक तरह से यह प्रस्ताव है, प्रोपोज्ड यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आई प्रोपोज्ड टू माई फ्रेंड ललित दैट, और दोस्तों लेटेस्ट को वी शुड में चेंज कर देंगे, We should take a room in the hostel. I proposed to my friend Lalit that we should take a room in the hostel. तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, said को proposed में चेंज कर देना है और let us को we should में चेंज कर देना है और इसमें दैट यूज करना है। आई सेड टू रिया, मैंने रिया से कहा लेट अस स्पेंड दिस इवनिंग हैविंग अ गेम ऑफ टेनिस, आओ आज की शाम बिताएं टेनिस खेलकर। तो दोस्तों यहाँ पर भी लेट अस है, प्रोपोज्ड का यूज कर सकते हैं, आई प्रोपोज्ड टू रिया दैट We should spend, यहाँ पर दिस इवनिंग है तो दैट इवनिंग लिखेंगे, दैट इवनिंग हैविंग अ गेम ऑफ टेनिस, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। I proposed to Ria that we should spend that evening having a game of tennis. The teacher said to Pooja, टीचर ने पूजा से कहा, हाउ डिड यू गेस द करेक्ट आंसर, तुम्हें सही उत्तर का पता कैसे चला। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यानी कि आस्क्ड यूज करेंगे। द टीचर आस्क्ड पूजा। और दोस्तों जब भी कोई भी सेंटेंस यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, तो आपको दैट यूज नहीं करना है बल्कि वही क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ पर हाउ लिख देंगे, हाउ डिड यू गेस द करेक्ट आंसर। यह सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है यानी कि डिड वाले सेंटेंस में हैड का यूज करेंगे। और हाउ के बाद यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर यू है यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट पूजा है तो यहाँ पर सी लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हाउ सी हैड गेस्ट, यहाँ पर वर्ब थ्री यूज करेंगे क्योंकि हैड के बाद हमेशा वर्ब थ्री यूज होता है जबकि डिड में वर्ब वन यूज होता है। द टीचर आस्क्ड पूजा हाउ सी हैड गेस्ट the correct answer। और यहां पर फुल स्टॉप देना है। The teacher asked Pooja how she had guessed the correct answer। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस है, The teacher said to Rohit, शिक्षक ने रोहित से कहा, Which lines of this poem have you not understood? इस पोएम के तुम कौन सा लाइन नहीं समझे हो। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड है यानी कि दैट यूज नहीं करना है और सेड को आस्क्ड में बदल देना है। जब भी इस सेंटेंस में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो आपको आस्क्ड ही लिखना है क्योंकि इसमें पूछा जाता है। द टीचर आस्क्ड रोहित। अब दोस्तों इसमें दैट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर व्हिच लिखेंगे, Which lines। तो दोस्तों यहाँ पर you है यानी कि सेकंड पर्सन रोहित के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर he लिख देंगे। Which lines he had, यानी कि दोस्तों यहाँ पर have है तो इसको had में चेंज कर देंगे यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। द टीचर आस्क्ड रोहित which lines he had not understood। यहाँ पर है ऑफ दिस पोएम, दिस को दैट में चेंज कर देना है, ऑफ दैट पोएम, और यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। दोस्तों यदि आप चाहें तो यहाँ पर व्हिच लाइन्स के बाद ऑफ दैट पोएम लिख सकते हैं, उसके बाद ही हैड नॉट अंडरस्टूड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि द टीचर आस्क्ड रोहित व्हिच लाइन्स of that poem he had not understood। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, जड़ से सीखना चाहते हैं कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, तो आपको एंड स्क्रीन के रूप में एक प्लेलिस्ट नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया है। ऑल राइट स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।